नमस्ते, मैं डॉक्टर यशवंत कश्यप हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बालको मेडिकल सेंटर रायपुर से। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शंस है, थेरेपी है कि मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट लंबे समय तक अच्छे रहते हैं, बीमारी से ठीक हो जाते हैं। कभी भी अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो उनको हमेशा जो ट्रीटमेंट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में कराना चाहिए। ऐसा सेंटर जहाँ पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पैलेटिव मेडिसिन फिजिशियन है, ट्यूमर बोर्ड की फैसिलिटी है, और जहाँ पर पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट भी इक्विप्ड है कि ब्रेस्ट कैंसर को अच्छे से मैनेज कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर के जो अलग अलग थेरेपी है, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जिससे पेशेंट सालों अच्छे रहते हैं, बहुत पेशेंट बीमारी से क्योर हो जाते हैं, और कोई भी स्टेज में इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है। और अब गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स वगैरह हैं जिसके थ्रू मैक्सिमम पेशेंट लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। सर्जरी की भी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उसके थ्रू भी अब ब्रेस्ट को भी पूरा नहीं निकालना पड़ता है, मैक्सिमम केसेस में ब्रेस्ट कंजर्वेशन और अच्छी प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक के थ्रू फिजिबल रहता है। रेडिएशन की भी जो टेक्निक्स है वो बहुत एडवांस तरीके की आ गई हैं, जिसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो चुके हैं। तो आप सब लोग, जिसको भी ये होता है या आपके पहचान में जो भी हैं, उनको आपको अवेयर करना चाहिए कि ताकि ब्रेस्ट कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं और एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में कराएं, ताकि कुछ भी ट्रीटमेंट में कुछ भी मिस ना हो और पेशेंट लंबे समय तक अच्छे रहें और इस डिज़ीज़ से निजात पाएँ। धन्यवाद।